तो यहाँ के लोगों का रिएक्शन देखो, ये लोग सब लोग चेक करने के लिए आ गए हैं कि कैसा बज रहा है, क्योंकि मेन रोड है और ये मेन रोड पे एकदम रोड पे ही है और ये बजा दिए हैं। तो यहाँ के लोगों का रिएक्शन देख लो, सब लोग आ गए इसका बेस ट्यूब सुनने के लिए कि बहुत तेज़ बज रहा है। बट ये तो काम आपका है, आपको बताना है कि ये तेज़ बज, अभी आप ऐसे ही सुन सकते हो जो बज रहा है। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और आपके YouTube चैनल द अनुज पांडे में। तो दोस्तों आज हम लेकर आ गए हैं अपनी मारुति की स्विफ्ट डिज़ायर ZXi वेरिएंट, और ये देखने में तो काफ़ी गंदी हो गई है क्योंकि अभी हम लोग बारिश का मौसम आ चुका है और हो गया लगभग एक दो हफ्ता हो गया है मेरे को, मैं गाड़ी धुलवाया नहीं हूँ अपनी, तो अपनी गाड़ी इसलिए गंदी हो चुकी है। और आज हम इसको इसलिए लेकर आए हैं दोस्तों कि इसमें आज हम जा रहे हैं अपना बेस ट्यूब फिट करवाने। इसमें का आपको अभी साउंड सुनाएंगे हम कि इसमें का साउंड कैसा है, अभी क्या साउंड दे रही है। उसके बाद हम इसको आपको इसका साउंड बेस ट्यूब लगवाने के बाद इसका आपको अलग से साउंड सुनाएंगे। हम बेस ट्यूब ला चुके हैं, बेस ट्यूब को हम अपने पास ला चुके हैं और हम अपने पास रखे हुए हैं, बस हमको दुकान में जाना है और दुकान में जाके अपने को अपना ये बेस ट्यूब फिट करवाना है। उसके बाद बेस ट्यूब फिट करवाने के बाद इसका अपन साउंड सुनेंगे कि कैसा साउंड है और क्या साउंड दे रहा है। जैसे अपने को कंपनी फिटेड जो चीज़ मिला है कंपनी फिटेड से अच्छा साउंड दे रहा है या बेकार साउंड दे रहा है, वो सब हम आपको इस वीडियो में दिखाएं। अब चलते हैं आगे और गाड़ी के अंदर में आपको इसका म्यूज़िक सिस्टम सुनाएंगे कि कैसा इसका म्यूज़िक सिस्टम है और अभी कैसे आवाज़ कर रहा है, तो हम सारा चीज़ आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। चलिए हम इधर आ चुके हैं, गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी काफ़ी गर्म हो गई है, हल्का इसको एयर निकालने के लिए हल्का बढ़ा लेते हैं। उसके बाद हम आपको इसका साउंड सुना देंगे कि इसका साउंड अभी कैसा है। कंपनी फिटेड जो मिला है हमको, कंपनी फिटेड में अपने को कैसा साउंड मिल रहा है और अपने को हम जब बेस ट्यूब अपना लगवा देंगे तो हमको कैसा साउंड मिलेगा, ये सब हम आपको दिखाएंगे तो इस वीडियो में। आप इस वीडियो में बने रहिए। तो अभी जैसे कि आप देख लो, अभी कुछ नहीं है, अभी ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं है, सो हम FM का एक बार गाना सुन लेते हैं। FM का तो गाना ही नहीं बज रहा है, तो हम इसमें अपना मोबाइल कनेक्ट कर लेते हैं। मोबाइल कनेक्ट करने के बाद इसमें का आपको साउंड सुनाते हैं कि कैसा बज रहा है और उसको आपको दिखाएंगे, तो इस वीडियो में आप बने रहना दोस्तों। दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी कार के अंदर और आपने देखा ही, और हम अपना ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर चुके हैं, ब्लूटूथ इसमें कनेक्ट हो चुका है। अब इसके बाद इसमें आपको साउंड दिखा देते हैं, इसमें फुल साउंड पर है हमारा वीडियो, मतलब हमारा साउंड, और उसके बाद ये गाना आपको सुना देते हैं। फ़ोन में हमारे साउंड आप देख लो हाफ है, तो आपने ये सुन लिया साउंड। अब इसके बाद हम अपना ये हमारे नॉर्मल कंपनी फिटेड का साउंड है। अब इसके बाद हम अपना जब नॉर्मल इसमें वो करवाएंगे, अपना जब वो लगवाएंगे बेस ट्यूब, तो बेस ट्यूब में आपको अलग सा वो सुनाएंगे, उसके बाद उसका अलग साउंड रहेगा, जो भी वो हम आपको अलग से सुनाएंगे। तो आप इस वीडियो में दोस्तों, तो यहाँ आप देख लो दोस्तों, ये हमारा बेस ट्यूब है और हमने बेस ट्यूब ज़ेनॉक्स का लिया हुआ है, इसको हम अपने गाड़ी में फिट करवाएंगे। उसके बाद हम आपको इसका भी साउंड सुनाएंगे जो कि ये 12 वॉट का है, हमने पहले भी लगवा चुका था, बट हम जब गांव गए ना तो गांव में ये पूरा इसका तार वार का जो पिन रहता है, पिन सारा उखड़ गया, तो इस वजह से अभी फिर से हमको इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। और जब मैं उस टाइम इंस्टॉल करवाया था तो मैं आपको तो इसका साउंड सुनाया नहीं था, तो इस बार अब आप हम आपको इसका साउंड सुनाएंगे। आप देख लो ज़ेनॉक्स कंपनी का है, और हम आपको ये भी दिखा देते हैं कि इसमें हम जो वो पहले से फिटिंग करवा के रखे हुए थे वो भी फिटिंग जो करवा के रखे हुए थे वो भी तार लगा हुआ है, बट इसका पिन निकल गया है। ये जो पिन होता है ये पिन निकल चुका है, इसी वजह से हमारा वो काम नहीं कर रहा है। तो हम इसको अभी जाएंगे और इसमें भी नया, ये पूरा मेरे हिसाब से तो ये पूरा नया वायर डालेंगे, ये वाला तो है अपने पास बट ये वाला शायद नया डालेंगे, तो उसके बाद फिर ये दोबारा चलेगा। तो हम इसका आपको साउंड इस बार सुनाएंगे, पिछले बार जब हमने लगवाया तो हम आपको इसका साउंड सुना नहीं पाए थे, इस बार हम फिर से अब इसको लगवाएंगे तो इसका साउंड सुनाएंगे। तो आप दोस्तों इस वीडियो में एंड तक के बने रहना। अब हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चल के अब दुकान पे चलते हैं, दुकान में अपना काम करवाएंगे,
दुकान में अपना काम करवा के इसका आपको साउंड पूरा चेक करवाएंगे कि कैसा बज रहा है क्या है। तो अब दोस्तों चलिए चलते हैं अब आगे और आगे देखेंगे कि क्या क्या है, कैसा कैसा, और आपको पूरा साउंड इसका सुनाएंगे कि कैसा बज रहा है। तो आप एंड तक के ये वीडियो को मिस ना करना। तो अब दोस्तों चलिए अब आगे चलते हैं और आगे लगवाएंगे तो हम आपको सारा चीज़ दिखाएंगे। तो यहाँ हम निकल तो चुके हैं और हम पहुँचने भी वाले हैं। तो पहुँचने से पहले ही हमारे कुम्हारी का बड़ा दरिया बहुत ही वायरल हो रहा है, तो हमको रास्ते में ही पड़ता है ये बड़ा दरिया। इसके बाहर का आप देख सकते हो, इसके अंदर में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं घूमने लायक, और ट्रेन वेन बहुत कुछ है। मैं भी व्लॉग में देखा था, कभी अपन यहाँ भी जाएंगे तो भी आपको दिखाएंगे। बट अभी तो अपना मेन एम ये है कि हमको पहुंचना है और बेस ट्यूब लगवाना है हमारी गाड़ी में, और आपको साउंड सुनवाना है उस बेस ट्यूब का। तो ये जैसे कि आपको यहाँ पे टोल दिख रहा है, टोल से पहले ही हमको टोल क्रॉस नहीं करना है, टोल का रसीद वसीद नहीं कटवाना है, पैसा वैसा नहीं देना है टोल में। टोल से पहले ही ये यहाँ पे आपको दिख रही है, यहाँ पे है आकाश भाई का दुकान। टोल से पहले ही हमको यहाँ पे टर्न ले लेना है, भाई को कुछ होश ही खबर नहीं है, लगता है दुकान बंद है, नहीं खुला है। तो यहाँ आप देख लो मैकेनिकल किंग ऑटो पार्ट, यहाँ आकाश भाई बैठे हुए हैं अंदर में। चलिए अब हम यहाँ पे चलते हैं और इनसे लगवाएंगे, उसके बाद आपको सुनाएंगे इसका साउंड सिस्टम कैसा है। गाड़ी के अंदर का सारा कचरा भाई लेके चले गया है, बॉटल वोटल, और आकाश भाई अपना लग चुके हैं काम में, चेक कर रहे हैं कि कहाँ से क्या क्या होगा। सारा बॉटल वोटल देख रहे हैं भाई, बॉटल निकाल रहे हैं, साफ सफाई भी होगी गाड़ी की, गाड़ी बहुत गंदी है जैसे कि हमने आपको बताया ही था। आकाश भाई अपना काम देख रहे हैं जो भी है, कैसे फिट होगा क्या, इसमें नया अगर डायरेक्ट पिन टू पिन वो लगा देंगे तो उससे हो जाएगा क्या, तो सब चेक कर रहे हैं। तो आगे हम इस वीडियो में आपको भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारा आधा सिस्टम खुल चुका है और ये वायरिंग का पूरा आकाश भाई खोल चुके हैं, अब इधर का भी खोल ही दे रहे हैं। आपको कोई भी काम लगे आप आ सकते हो मैकेनिकल ऑटो किंग। अगर आप रायपुर से आओगे तो रायपुर से आपको टोल क्रॉस करोगे, उसके बाद जस्ट राइट में पड़ जाएगा, यार लेफ्ट में सॉरी। और अगर आप कुम्हारी या दुर्ग से आओगे तो आपको टोल से पहले आपको राइट साइड में पड़ेगा, आप आ सकते हो यहाँ पे। पहले हमने DRL भी लाइट भी लगवाया था, तो DRL लाइट भी आपको दिखाए थे। अभी आज फिर से हम अपना इसका सिस्टम लगवा रहे हैं बेस ट्यूब, इसका आवाज़ आपको सुनाएंगे कैसा बजता है। अभी ये हो जाए, अभी ये तो खुल गया है, खुल गया है। तार वार का चेक कर रहे हैं कौन सा तार किस में लगेगा, यहाँ से तो वायर चले जा चुका है। चलिए आगे और हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी का काम चालू हो चुका है, और जैसे कि हमने आपको दिखाया यहाँ पे आपको आना है तो मैकेनिकल किंग, आप इसमें फ़ोन नंबर में आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं, उसके बाद भी आ सकते हो, कोई नहीं, मिस्त्री उस्त्री सब है यहाँ पे बनाने के लिए। बाकी अभी हम अपना बेस ट्यूब लगवाने के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसा बज रहा है हमारा बेस ट्यूब। तो यहाँ हमारी गाड़ी पूरी वॉशिंग होके एक साइड खड़ी हो गई है, अब हमारा काम होगा बेस ट्यूब का, वो अभी स्टार्ट होगा तो हम आपको दिखाएंगे कि कैसे। अभी तक क्या हमारी गाड़ी धुला रही थी तो अब हमारी गाड़ी वॉश हो चुकी है। अब देख लो दोस्तों पहले की तरह अब गंदी नहीं है, अब एकदम साफ सुथरी हो गई है, अब चमक रही है। अब इसके बाद अब वो वहाँ पर चेक करने आ गए हैं भैया, वहाँ से वो चेक करके अब उसको उसमें वायर कौन सा लगेगा, अगर पिन अगर वो वायर अगर वो नया लग जाए तो ठीक, वरना फिर वो जो पिन वाला बोल रहे थे वो वाला अगर लगेगा तो वो भी अच्छा है, उससे जिससे भी रहे बजना बस चाहिए, बजने से मतलब है बजेगा, वो हमको सुनना है और आपको सुनाना है दोस्तों। अब और आगे चलिए अब दिखाते हैं। तो अभी तो हमारी गाड़ी खुली हुई है, सीट वीट इसका गायब है, और ये वायर आ चुका है, ये वायर को हम इसमें से भैया बोले हैं फिट कर देंगे और उसके बाद इसको पीछे बेस ट्यूब में लगा देंगे। तो अब देखते हैं, ये सामने का तो वैसे खुल चुका है, बाकी मेरे ख्याल से ये
ये भी खुलेगा, ये सिस्टम भी इसका खुलेगा, एलईडी वगैरह। उसके बाद पीछे से जो फिट करेंगे वो फिट करेंगे, उसके बाद दिखाएंगे हम आपको। और ये वायर है, ये वायर को मेरे हिसाब से अब अपने को ये वाला वायर नहीं लगेगा, इसके बदले में ये वाला लगा देंगे। ये वाला मेरे को सही भी लग रहा है, ये जल्दी टूटेगा भी नहीं। तो अब दोस्तों इसको देखेंगे कि कैसे बसता है ये। तो जैसा कि हमने आपको बताया ही था कि ये सिस्टम खोलने का ज़रूरत पड़ेगा ही, और ये सिस्टम खोल रहे हैं भैया अभी। इसके बाद फिर आगे का इसी के पीछे से जो भी लगेगा वो इसके पीछे से लगेगा। भैया हमारा काम कर रहे हैं, इसके पीछे से जो भी इसमें जो सिस्टम रहेगा वो इसके पीछे में ही ये वायरिंग इसको फिट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद पीछे का बजेगा। तो वो हम आपको तो दिखाएंगे ही कि कैसा बज रहा है, क्या साउंड आ रहा है। हमारा पूरा काम हो चुका है, इधर पीछे सामने का स्क्रीन में वो अपना जो पिन लगाना था वो लग चुका है। अब सिर्फ पीछे का बचा है, पीछे का लग जाएगा, उसके बाद अपना साउंड सिस्टम चालू हो जाएगा। तो अभी आगे का लग गया, उसके बाद हम आपको दिखा देंगे, ये पूरा सिस्टम फिट हो जाएगा। उसके बाद पीछे में जो थोड़ा बहुत वायरिंग नट ढीला करके वो फिट करना रहेगा वो कर देंगे भैया, उसके बाद हम आपको इसका सिस्टम सुनाएंगे। तो इसमें हमारा सारा तार फिट हो चुका है, अब हमको सिर्फ सिस्टम चालू करने का ज़रूरत है। सिस्टम चालू करके अब एक बार इसका साउंड चेक करते हैं, साउंड चेक करके आपको भी सुनाते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं, इसमें का एक बार सिस्टम चेक करेंगे। ये जैसे कि ऑन हो गया है, तो यहाँ हमारा लग चुका है। अब इसको चेक कर लेते हैं, इसका जैसे कि साउंड अपन बढ़ा देते हैं, आवाज़ फ़ोन से भी फुल कर देना और आवाज बढ़ा देना तू। अटक गया ये, लगता है रुक गया। चालू करना, नेट अटक गया लग रहा है। अभी सही से बज नहीं रहा है, हाँ? जैसे कि आप गाना सुन लो, बेस अभी इसका आगे का सिस्टम पीछे से सही नहीं हो पा रहा है। दोस्तों आप सुन लो, तो यहाँ हमने गाना बजा दिया है और यहाँ के लोगों का रिएक्शन देखते हैं कैसा ये गाना सुनकर। तो देख लो ये सब के सब आ चुके हैं यहाँ पे ये गाना सुनने के लिए, इसका बेस ट्यूब चेक करने के लिए। तो यहाँ के लोगों का रिएक्शन देखो, ये लोग सब लोग चेक करने के लिए आ गए हैं कि कैसा बज रहा है, क्योंकि मेन रोड है और ये मेन रोड पे एकदम रोड पे ही है और ये बजा दिए हैं। तो यहाँ के लोगों का रिएक्शन देख लो, सब लोग आ गए हैं इसका बेस ट्यूब सुनने के लिए कि बहुत तेज़ बज रहा है। बट ये तो काम आपका है, आपको बताना है कि ये तेज़ बज रहा है कि नहीं। अभी हम तो दोस्तों यहाँ पे हम लगवा चुके हैं अपने में बेस ट्यूब, उसके बाद अब हम ट्राई कर लेते हैं इसका साउंड कैसा है। तो एक बार बजा लो भाई, ट्राई करते हैं कैसा साउंड है और अभी कैसा बज रहा है, कुछ हिल डुल रहा है या नहीं। तो ये अभी नॉर्मल साउंड पर है, तो जैसे कि हम इसका साउंड बढ़ाते हैं। तो
तो जैसे कि हमने पहले, अभी आपको तो वैसे समझ नहीं आएगा, जैसे कि हमने पहले लगा बजाया था गाना उस टाइम जब ये नॉर्मल इसका कंपनी फिटेड जो सिस्टम था वो फिट जब बजाया था तो वो अलग साउंड था, और अभी जब बजा रहे हैं तो अभी अपने आप ऐसा लग रहा है कि शरीर भी हमारे हिल रही है, जैसे कि बेस मार रहे हैं। वो आपको इसमें वीडियो में तो समझ नहीं आ रहा होगा कि बेस कैसे मार रहा है, बट अगर गाड़ी में बैठे रहोगे तो भाई अगर उसको फुल साउंड कर दिए तो मतलब समझ लो बहुत ही ज़्यादा हाई साउंड हो जाएगा। और ऐसे में भी आधे में भी अभी जैसे बज रहा था तो भी बेस मार रहा था ऐसा कि अपने को, अपन आपको बता नहीं सकते कि ऐसा आप वीडियो में समझ तो पाओगे नहीं। बाकी इसमें बेस काफ़ी बढ़िया मार रहा था, और जैसे कि सीट पे हम बैठे थे तो सीट भी हिल रही थी हल्की हल्की। अब यहीं पे अब दोस्तों अब आगे हमने आपको दिखा ही दिया कि कैसे क्या बज रहा है, तो अब हम अपना वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।